हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुताहर और आप देख रहे हैं MM टेक्निकल को। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक वीवो का 19 01 सेट है, तो इसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम इसे EMT से अनलॉक करेंगे। तो EMT का MTKI है, CPU है, तो इस हम EMT MTK CPU से अनलॉक करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर पैटर्न लॉक लगा हुआ है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं हम डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका है। तो सबसे पहले हमको MTK टूल जो हमारा है उसे ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले हम MTK टूल ओपन कर लेता हूं। तो चलिए, MTK टूल ओपन करने के बाद हमारा जो है टूल ओपन हो जाएगा। उसके बाद इस तरह का से इंटरफेस देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले टूल एफर्ट पर क्लिक कर देना होगा। टूल एफर्ट पर क्लिक कर देने के बाद हमारा मॉडल जो ब्रांड है उसे सिलेक्ट कर देख पर हमारा जो ब्रांड है वो वीवो का ब्रांड फ़ोन है। हम इसे वीवो सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा वीवो सिलेक्ट हो गया, उसके बाद मॉडल सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम Y15 सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा फ़ोन Y15 वीवो का Y15 है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्री रजिस्टर पर रख के देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो डू लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर डू पर सिंपली से क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा फ़ोन पावर ऑफ करके फ़ोन को कनेक्ट कर देना होगा। माइनस प्लस दबा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से फ़ोन हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब यूज़र डाटा अपने फॉर्मेटिंग हो जाएगा, सिंपल से मैथड है। तो हमारा फ़ोन देखे, हमारा फ़ोन फॉर्मेटिंग हो चुका है, डन लिखा हुआ आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमारा फ़ोन पे अनलॉक हो चुका है।